वेलकम बैक टू माई चैनल। इन टूडेज वीडियो वी आर डूइंग मीशो फेस्टिव वेयर हॉल। मैं मीशो से आपको एथनिक ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ, पार्टी वेयर और पाकिस्तानी ड्रेसेस बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। बट अभी करेंटली शादी सीजन चालू है तो वो ध्यान में रख के मैंने वीडियो बना रही हूँ। और सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, एवरीथिंग इज यू नो अंडर 1500। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो, फिर न्यू टू माय चैनल, प्लीज टेक सम टाइम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो देख के मैंने परचेस की उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे दे दूंगी, मुझे कैसा रिसीव हुआ है और मैं उसको स्टाइल करके सब आपको इन डिटेल रिव्यू देने वाली हूँ। सबसे पहला ड्रेस है ये वाला ड्रेस मैंने परचेस किया। यू गाइस कैन सी, ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस का कॉपी लग रहा था और इतने कम प्राइस में मुझे मिल गया। प्राइस जो भी है मैं स्क्रीन पर मैंशन कर रही हूँ और साइज भी मैंशन कर रही हूँ। गाइज दिस इज वॉट वी रिसीव्ड। वाओ, I can't, like I wasn't expecting this. You guys can see कितना अच्छा ड्रेस आया है। ये बेसिकली एक शरारा जैसा ड्रेस है, कलर इसका ऐसा गोल्डन आ जाता है। इसमें वर्क देखो आप, ये जो नेक में वर्क दिया गया है यही देख लो, कितना प्यारा है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इट्स रियली नाइस। तो इसका जो कुर्ता आ जाता है ना, ये कुछ ऐसा आ जाता है। इसकी स्लीव में, इसके नेक में पूरा वर्क दिया गया है। ये जो मटेरियल है ना, ये ही इतना एक्सपेंसिव आता है अगर आप मीटर के हिसाब से लो तो। इट्स नाइस। पीछे इसका कुछ ऐसा हो जाता है, प्लेन सा है। फ्रंट में इसकी ऐसी कुछ डिटेलिंग हो जाती है। इसका जो बॉटम आ जाता है वो हमें कुछ ऐसे ही पूरा हैवी बॉटम आ जाता है। इट्स कॉल्ड प्लाजो या लहंगा, क्या बोलते हैं इसको, या शरारा जैसा कुछ है। गाइस कैन सी इट्स रियली नाइस। बहुत ही सटल, बहुत ही अच्छा कलर है, पार्टी वेयर के लिए तो बेस्ट है। गाइस कैन सी यहाँ पे सर प्लाजो गरारा, हाँ इसको गरारा बोलते हैं, तो कुछ ऐसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा गरारा है, ये टॉप और बॉटम आ जाता है। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा इतना अच्छा है, दुपट्टा आप देख सकते हो कितना ही कोई अच्छा आ गया है। सारा ही पूरा ड्रेस एक ही कलर का है, पहनने के बाद में ये कुछ ऐसा लग रहा है। यू गाइस कैन सी कितना प्यारा लग रहा है। इसमें मैंने कोई इनर नहीं पहनी हूँ, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अनएक्सपेक्टेड। और पूरा रेडीमेड आया था, मैंने इसको कहीं से स्टिच नहीं करवाया, जैसा मुझे आया तभी का तभी मैंने इसको पहन के आपको दिखा रही हूँ। इट्स रियली नाइस, वेरी ब्यूटीफुल पीस। इसका जो नेक साइड आ जाता है ना, ये ही इतना अच्छा इसमें काम दिया गया है। बट कहीं कहीं से आपको पूरे धागे वागे से निकले हुए रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से आई एम नॉट जजिंग ऑन दैट। एंड या इट्स नाइस। ये जो स्टोन वर्क आ जाता है, लाइक मिरर स्टोन है, पूरा मिरर लगा हुआ है अंदर से। आपको इसमें अस्तर भी लग के मिलता है, लाइनिंग लगी हुई है। इट्स नाइस। और थोड़ा सा आपको ना अंदर से क्लॉथ भी मिलता है, इनकेस अगर आपको लूज़ करना है तो आप थोड़ा सा लूज ये खोल सकते हो, तो आपको थोड़ा लूज हो जाएगा। तो या गाइस इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। पहनने के बाद में आप देख सकते हो कितना ही कोई अच्छा लग रहा है। आई वुड हाईली रिकमेंड। दुपट्टा भी आप, मैंने तो इस तरीके से पहने, अलग से हिजाब लिया है, पर आप इसको ऐसे ही पहन सकते हो, पर नेट का दुपट्टा है तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। पूरा इतना अच्छा वर्क दिया गया, इतना अच्छा लेंथ है इसका, इट्स टू गुड, 10/10। अब अगर आप ये लोकल मार्केट से खरीदने जाओगे ना तो आपको बहुत महंगा आएगा, मतलब 2500-3000 का तो ये कैसे भी आपको पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा इसका वर्क दिया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट परचेज। ओवर टू आर नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट भी मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्टी वेयर एथनिक ड्रेस परचेज किया। ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसको आप पाकिस्तानी ड्रेस जैसा बोल सकते हो, बट क्लॉथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो दिस इज वॉट आई ऑर्डर्ड एंड दिस इज वॉट वी रिसीव्ड। बेसिकली आजकल ऑर्गेंजा दुपट्टा का बहुत ज्यादा फैशन है और ये आपको प्लेन सा ड्रेस आ जाता है, विच इज ऑफ सैटिन मटेरियल, कुछ सा बहुत ही ज़्यादा शिमरी मटेरियल है ये। इसमें मैंने साइज परचेस किया है मीडियम और इसका टॉप का पूरा फुल स्लीव नहीं है, ये पॉनी स्लीव आ जाती है आपको, 3/4 स्लीव है। एंड या मटेरियल इज रियली नाइस, वेरी गुड क्वालिटी। इसका जो बॉटम आ जाता है ये भी सेम कलर का ही आ जाता है, जैसा पिक्चर में था वैसा ही रिसीव हुआ है। और इतना अच्छा है, मतलब फिटिंग मुझे कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही मैंने पहन लिया। एंड यू गाइस कैन सी द बेस्ट पार्ट इज दुपट्टा इसका इतना क्यूट है। एंड या ऑर्गेंजा दुपट्टा है, ये सर पे बिल्कुल भी नहीं रुकता है। मैंने कुछ इस तरीके से इसको स्टाइल किया है, आप चाहे तो सर पे ले सकते हो बट ये रुकेगा नहीं। तो इफ़ यू आर समवन जो एकदम मॉडर्न वे में लेना
पकड़ना चाहते हो तो आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा और अलग से हिजाब करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो सर पे बिल्कुल नहीं रुकता है। ऑल्सो इट्स अ वेरी हार्ड मटेरियल, बहुत ज़्यादा कड़क कड़क मटेरियल है। मुझे तो पर्सनली ऑर्गेंजा दुपट्टा एकदम ही अजीब लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना कड़क कड़क कुछ खड़ा हुआ है। बट या आपकी आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो। प्रिंट बहुत ही अच्छा है, अभी तो फैशन में है, बहुत लोगों को मैंने देखा है पहनते हुए। सो या आप पहन सकते हो, और विदाउट दुपट्टा भी आप सिर्फ ये ड्रेस भी पहन सकते हो। मटेरियल बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है, कोई बोलेगा नहीं, इतने सस्ते में मिल गया। ये मुझे कुछ 600 या 700 का आई गेस पड़ गया था, जो भी प्राइस है मैं स्क्रीन पर मैंशन करी हूँ, साइज़ भी मैंशन करी हूँ। साइज़ मैंने परचेस किया था मीडियम, एंड यू गाइस कैन लुक एट द क्वालिटी। पैंट इसकी एकदम स्ट्रेट पैंट आ गई है, ना बहुत ज्यादा टाइट है ना बहुत ज्यादा लूज है, एकदम परफेक्ट है। तो यार डेफिनेटली चेक दिस आउट, आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड। पहनने के बाद में कैसा लग रहा है, इसका ओवरऑल लुक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, यू गाइस कैन सी इन द वीडियो। आई एक्चुअली लाइक इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, आई वुड रेट 10 out of 10। सिर्फ ये जो एक प्रॉब्लम आ गया मुझे दुपट्टा, बिकॉज पर्सनली मुझे ये दुपट्टा नहीं पसंद, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, आई लव द क्वालिटी। आपको पास से दिखा देती हूँ, मटेरियल इज नाइस, पार्टी वेयर के लिए तो बेस्ट है। तो या नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट परचेस। मैंने कुछ 6 ड्रेसेस परचेस की हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बट कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यार जो 3rd ड्रेस मैंने परचेस किया, वो मैंने ये देख के परचेस किया, बेस्ट फॉर ब्राइड टू बी, या फिर यू नो ब्राइड की सिस्टर, दूल्हे की सिस्टर, कोई भी पहन सकता है, ब्राइड्स मेड पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रेसेस। सो दिस इज वॉट आई सॉ एंड ऑर्डर, एंड दिस इज वॉट वी रिसीव। पहली बार मैंने मीशो से इतना हैवी ड्रेस परचेस किया है, एंड ओ माई गॉड द क्वालिटी आई हैव रिसीव इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। ये पहनने के बाद में कुछ ऐसा लगता है, यू गाइस कैन सी, इसमें आपको टॉप मिल जाता है। वेट मैं आपको टॉप दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा है, बट मैंने इसको इनर के साथ में पहना हुआ है, क्योंकि अंदर ऐसा नेट की स्लीव आ जाती है, तो वो मुझे एक प्रॉब्लम लगा। बट आप लाइनिंग लगवा सकते हो अपने टेलर को बोल के, अदर देन दैट इट्स नाइस। स्लीव इसकी नेट की आ जाती है, यू गाइस कैन सी, वर्क इसमें बहुत अच्छा है। आपको टाइट कराना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा अपने साइज़ के हिसाब से, बाकी सब तो मुझे ठीक लगा। ये भी ट्रांसपेरेंट है, बट इसका कुछ जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका ये जो बॉटम आ जाता है ना, ये इतना ऊपर तक आता है, मे बी मेरी हाइट कम है इसीलिए, या आई डोंट नो, इतना ऊपर तक आ जाता है कि ये पूरा बॉटम ये नेट के अंदर से दिखता है। तो ये गाइस कैन सी, पहनने के बाद में ये कुछ ऐसा लग रहा है, इट्स रियली नाइस। इसका जो पैंट में जो पैंट का जो मटेरियल है ना, इट्स वेरी नाइस, कुछ क्रिंकल जैसा मटेरियल ही है, और नीचे से इसमें भी ऐसा डिटेलिंग दिया गया है, यू गाइस कैन सी, पूरा सीक्वेंस जैसा लेस लगा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ड्रेस के साथ में पहनने के बाद में ये बॉटम जो इतना खुल अच्छे से दिख नहीं रहा था, बट इन पर्सनल जब मैं इसको देख रही हूँ ना, सबसे बेस्ट थिंग मुझे इसका बॉटम लगा है, इट्स वेरी नाइस। अंदर से लाइनिंग दी गई है, बहुत ही अच्छा इसका कवरेज है, बट द ओनली प्रॉब्लम आई हैव इज दिस, इसमें बिल्कुल भी कवरेज नहीं है। स्लीव में आई थिंक इतना स्लीव तो ये लोगों को देना चाहिए था, आई डोंट नो, बट बिल्कुल भी स्लीव नहीं है। तो मॉडेस्ट तो भाई कहीं से भी नहीं है, आपको कहीं अंदर से सेम आपको बहुत ही लोकल मार्केट से बहुत ही कम में सस्ते में लाइनिंग मिल जाएगा, तो वही लाइनिंग आप स्लीव में लगवा सकते हो, इट विल लुक रियली प्रिटी। तो या इसका जो नेक डिटेलिंग आता है, ये कुछ ऐसा आता है, यू गाइस कैन सी, और नीचे साइड से पूरा नेट लगा हुआ है, नेट के ऊपर ऐसा वर्क दिया गया है, यू गाइस कैन सी, बहुत ही कोई प्रिटी है। इसका जो डिटेलिंग है बहुत अच्छा है, एकदम गाउन है, ठीक है, हैवी गाउन है। साइज मैंने परचेस किया है मीडियम, यू गाइस कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर से आपको यहाँ पे सब लाइनिंग मिल जाती है, बस ये स्लीव और ये जो पार्ट है इसमें लाइनिंग नहीं है, अंदर से बॉटम दिखेगा। एंड आई गेस अगर आप मॉडेस्टली नहीं पहनोगे तो थोड़ा सा पेट दिखा के वैसा पहन सकते हो, जस्ट मैं मुझे जैसा लगा मैं वैसे बता रही हूँ। नीचे से भी गाइस कैन सी कितना अच्छा इसका फ्लेयर आता है, डिटेलिंग इसकी बहुत अच्छी है, पूरा का पूरा ड्रेस में सीक्वेंस वर्क दिया गया है। पहली बार इतना हैवी ड्रेस मैंने परचेस किया है मीशो से, एंड लुक एट इट, कितना प्यारा लग रहा है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दुपट्टा। दुपट्टा पूरा नेट का दुपट्टा आया है, मैंने यहाँ पे अंडर कैप पहना हुआ है, डोंट वरी, ऐसे नहीं कि मेरे कुछ हेयर्स नहीं दिख रहे, मैंने फुल अंडर कैप पहन के इसके ऊपर जस्ट
मैंने ये नेट का दुपट्टा डाला था एंड लुक्स रियली प्रिटी। इसका जो बॉर्डर है पूरे बॉर्डर में अगेन सीक्वेंस वर्क आ जाता है विच लुक्स रियली नाइस। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ गाइस इनसे कितना प्रिटी है। आई डोंट नो ये जल्दी से जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा आई गेस ये वीडियो के बाद में, तो अगर आपको चाहिए तो जल्दी ऑर्डर करना। Now let's move to our next purchase. So next I ordered this one. ये कितना अच्छा floral dress है, अनारकली जैसा है टॉप, एकदम लॉन्ग सा टॉप आ जाता है उसमें, इसके साथ में आपको दुपट्टा मिलेगा, इसमें लेगिंग नहीं है। So this is what I ordered and this is what we received. Wow, जैसा पिक्चर में था वैसा ही रिसीव हुआ है। इसका जो प्रिंट आ जाता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्रिंट है। पहनने के बाद में ये कुछ ऐसा लगता है, यू गाइस कैन सी एकदम ऐसा अनारकली है टॉप, इसका ऐसा आ जाता है। बट इसमें भी मेरे को एक प्रॉब्लम है, स्लीव इज अगेन वेरी शियर, ठीक है, बिल्कुल भी स्लीव में कवरेज नहीं है, स्लीव में ऐसा कुछ बबल जैसा टेक्सचर आ जाता है। बट या स्लीव बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसमें भी ऐसे ही वाइट लाइनिंग इसमें लगाना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग पर्पज़ के लिए चाहिए तो लगा लो, अंदर इनर पहनने से अच्छा है। तो या इट्स वेरी नाइस, पूरा का पूरा अनारकली है, बहुत ही लेंदी सा आ जाता है। माई हाइट इज़ 5'1" और मैंने हील्स के साथ में ये पहना था, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। और बात करते इसके दुपट्टे की, इसका जो प्रिंट है ना सेम टू सेम प्रिंट आ जाता है, बट अगेन इसमें पूरा का पूरा ऐसा बबल टेक्सचर है दैट मेक्स इट रियली एक्सपेंसिव, दिखने में थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही लग रहा है। एंड या आई थिंक इट्स अ ड्यूप, ठीक है, ये ओरिजिनल का सबका ड्यूप है, सेलिब्रिटीज इंस्पायर्ड एथनिक ड्रेसेस है ये। एंड या इट्स नाइस क्वालिटी, बहुत अच्छी है फॉर मिडिल क्लास पीपल, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। जिसको एक दो बार सिर्फ एक ओकेशन के लिए चाहिए फिर आप नहीं पहनोगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग रन में आई डोंट थिंक सो कि ये चलेगा, बट ऐसे कभी कभार पहनने के फेस्टिव सीजन के लिए इट्स नाइस। या इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट अगेन एकदम फेस्टिव सीजन, जैसे हम तड़कता बड़कता कलर मैंने लिया है विच इज दिस वन। ये देख के मैंने परचेस किया था पर्पल कलर, मैंने ऐसा एकदम ब्रिंजल पर्पल कलर कभी नहीं ट्राई किया था, एकदम एग प्लांट कलर लग रहा है ये। इज वॉट वी रिसीव यू गाइज, ये कलर ही इतना तड़कता भड़कता है, इतना डिफरेंट कलर है। मैं एकदम बेसिक सा लाइट कलर यूज करती हूँ, बट ये बहुत ज्यादा डार्क है, तो इट्स बेस्ट फॉर फेस्टिव सीजन। इफ यू वॉन्ट अ स्टैंड आउट देन बेसिक, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। पहनने के बाद में ये कुछ ऐसा लगता है। अगेन इसमें आपको टॉप मिल जाता है, प्लाजो जैसा कुछ इसका पैंट आ जाता है, यू गाइस कैन सी इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग है। एंड दुपट्टा आ जाता है विच इज ऑफ सेम कलर, सारा ही सेम कलर है सभी, पूरे टॉप में बॉटम में और ये जो दुपट्टा है सब में सेम ही वर्क दिया गया है, यू गाइस कैन सी सिल्वर कलर का इसमें पूरा वर्क दिया गया है। मटेरियल इसका जॉर्जेट है एंड यू गाइस कैन सी जैसा पिक्चर में था वैसा ही रिसीव हुआ है। इसकी जो पैंट है ये भी इतनी अच्छी आ जाती है, यू गाइस कैन सी। इसमें मैंने साइज परचेस किया है मीडियम आई गेस, एंड इसका जो भी प्राइस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। बट इसका जो नेक है कुछ ऐसा आ जाता है, नेक में भी डिटेलिंग दी गई है और बहुत बड़ा सा नेक नहीं है, नेक की कवरेज भी अच्छी है, छोटा सा नेक आ जाता है, अच्छा है, साइज है मीडियम। और इसका एक ही प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा विच इज स्लीव, स्लीव बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने ब्लैक कलर का अंदर पूरा ना टी शर्ट पहन ली हूँ ताकि नेक में कोई भी पार्ट ना दिखे। यहाँ पे आपको अंदर लाइनिंग मिल जाती है फ्रंट बैक साइड में, बट स्लीव में कोई लाइनिंग नहीं है, तो इट्स वेरी शियर, तो बस वो ध्यान रखना। एंड स्लीव के यहाँ पे भी आपको सेम बॉर्डर मिल जाता है जो नेक में लगा हुआ है, सेम वर्क दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस साइड, ये नायरा कट ड्रेस है, ठीक है, नायरा कट आजकल बीच में बहुत ज़्यादा फैशन में आया था, अभी तो ऐसा नहीं है, बट ये ड्रेस में नायरा कट दिया गया है, यू गाइस कैन सी यहाँ ऊपर से जो कट आता है इसको नायरा कट बोलते हैं, पूरा सीक्वेंस लगा हुआ है नायरा कट के बाद में। और अंदर एक क्योंकि ऐसा एकदम लूज सा पैंट है तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी लगता है, मतलब साइड से आपका ये पैंट दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पैंट में साइड में कुछ भी वर्क नहीं दिया गया है, पैंट में सीधा यहाँ पे बॉटम में आपको लेस मिल जाता है, सेम सीक्वेंस वर्क, ये कुछ लेस लगा हुआ नहीं है, वर्क दिया गया है, बहुत ही अच्छा वर्क है, अंदर से आपको पूरा लाइनिंग मिल जाता है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बॉटम भी बहुत अच्छा है, बट सिर्फ स्लीव ट्रांसपेरेंट है यार, इसका तो कुछ करना पड़ेगा, स्लीव ट्रांसपेरेंट है, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस। मटेरियल भी इतना सॉफ्ट, यू गाइस कैन सी, मैं पास लेके आके आपको हाथ लगा कर दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट,
जॉर्जेट मटेरियल है, नॉट शिफॉन, जॉर्जेट मटेरियल है। स्लीव आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट सा है, बस ये एक ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट्स 10/10। नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट परचेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्टली मेरा बहुत ही अच्छा परचेज किया मैंने, एकदम रानी पिंक कलर है। एंड ये सेम ड्रेस मैंने अपने पास वाली शॉप में देखी थी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, एंड आई वॉज शॉक टू सी द सेम डिज़ाइन ऑन मीशो। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर्ड। ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था, और देखते ही आप बोल सकते हो कि ये एकदम ही कोई डिज़ाइनर ड्रेस है, बट नहीं, इसका जो भी प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर रही हूँ। दिस इज वॉट वी रिसीव्ड। वाओ, ये अगेन हम लोग को अनारकली मिल जाता है, इसमें आपको कोई बॉटम नहीं आएगा, इसमें बस आपको एक लॉन्ग सा गाउन आ जाता है विच इज अनारकली। देख सकते हो कितना अच्छा रानी पिंक कलर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है। फ्रंट में आपको अगेन इतना अच्छा प्रिंसेस स्कर्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पे अंदर आपको पैड, इट्स पैडेड, ठीक है, पैडेड ड्रेस है जो एक्सपेंसिव हम लोग मॉल से या फिर शोरूम से खरीदते हैं। सेम क्वालिटी है, क्वालिटी इज नाइस, जॉर्जेट मटीरियल है, अंदर से अच्छी खासी डिटेलिंग दी गई है, गाइस कैन सी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। आई एम शॉक टू सी मीशो में इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के ड्रेसेस भी मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको ये कुछ ऐसा वर्क दिया गया है, मतलब क्लॉथ के अंदर ही बटन जैसा कुछ बना हुआ है, एंड स्लीव इसकी बहुत ही अच्छी आती है, बट आई हैव अ प्रॉब्लम, स्लीव ट्रांसपेरेंट है, तो कीपिंग इट एकदम एथनिक ड्रेस के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, बट मॉडेस्ट वे में मैं बोलूँ तो मुझे स्लीव अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है स्लीव, तो आपको सेम, इट्स ईजी, आप अपने लोकल टेलर को बोल के सेम यही कलर का लाइनिंग देख के आप लगा सकते हो, कुछ 14-15 रुपीज़ का आपको लाइनिंग मिल जाएगा स्लीव में लगाने के लिए, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें कुछ ऐसा बैंगल जैसा डिटेलिंग दिया गया है, जब आप इसको पहनते हो ना ऐसा लगता है कि आपने पूरे हाथों में ऐसा बैंगल पहना हुआ है, और इतना ये चमक रहा है, यू गाइस कैन सी इसकी चमक ही कितनी अच्छी है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। पीछे से इसका ये कुछ ऐसे आ जाता है, आपको डोरी लगानी है, मैंने यहाँ पर डोरी नहीं लगाई थी, मुझे मतलब मैंने पहनने के टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया था इसमें डोरी भी है, पर बहुत ही प्रिटी सा ऐसा कुछ डिटेलिंग दिया गया है डोरी का। ये थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से धागा निकला हुआ होगा जिसको माइंड नहीं करना, आप उसको कट ऑफ कर सकते हो फॉर द प्राइस रेंज यू आर गेटिंग इट, एंड लेंथी इनाफ है, बहुत ही लंबा सा घेरा है, और इसके एंडिंग में आपको इस पर भी बहुत ही अच्छी डिटेलिंग दी गई है, डिटेलिंग मतलब या ओवरलॉक लगा हुआ है नीचे साइड से, तो इट्स नाइस, एकदम प्लेन सा ड्रेस है, उसके ऊपर दुपट्टा दिया गया एकदम हैवी, लाइक वाओ, एकदम हैवी सा ड्रेस है, साइड में पूरा ये लेस लगा हुआ है, ये लेस रियली बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने लोकल मार्केट से अपने पाकिस्तानी ड्रेस में लगाने के लिए ये लेस का रेट पूछा था, इट वाज अराउंड 200-250, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव लेस, पता नहीं यार इतने सस्ते में ये लोग कैसे दे दिए। एंड इसका जो दुपट्टे में वर्क है, यू गाइस कैन सी कितना ही कोई प्यारा वर्क है, पूरा दुपट्टा एक तो इतना बड़ा है, दो मीटर से ज़्यादा इसका तो दुपट्टा ही है, एंड विड्थ भी इसकी देख लो यार कितनी बड़ी है, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, यू गाइस कैन सी कितना लंबा इसका लेंथ है, प्रिंट नहीं है ये, पूरा का पूरा इसमें वर्क दिया गया है सीक्वेंस का विच लुक्स ब्यूटिफुल, और दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड, पूरा के पूरे फोर कॉर्नर्स आपको ये लेस मिल जाएगा विच लुक्स ब्यूटिफुल। तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा रहेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड नाउ लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, एंड शॉर्ट्स तो मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ, तो या लेट्स स्टे कनेक्टेड थ्रू इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, नाउ लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।